हे दोस्तों, हाय रिसेशन में स्वागत करता हूँ आप सबका पीएर टीवी में। काफ़ी टाइम बीत गया है चैनल के ऊपर, वीडियो के अंदर एक लंबा गैप पड़ गया था, लेकिन अब फिर से मैंने चैनल के ऊपर कंटेंट डालना शुरू किया है। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर आपको देखने को मिलेगा फोटोग्राफी, फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग और टेक्नोलॉजी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, टिप्स एंड ट्रिक्स। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे गैजेट के बारे में बात करने वाले हैं कि जो दुनिया में सबसे ज़्यादा बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है और बेचा जाता है, वो है मोबाइल फ़ोन्स। और इन्हीं मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड हम एक वीडियो की सीरीज अब स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, तो फ्रेंड्स, पिछले 5 सालों के अंदर मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री के अंदर इतना सारा इनोवेशन हो चुका है, जिसकी वजह से मोबाइल फ़ोन की प्राइसिंग आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। 1 लाख रुपए से भी महंगे फ़ोन आजकल हमें मार्केट के अंदर देखने को मिलते हैं। 1 लाख रुपए, इतने में तो एक बाइक आ जाती है। दोस्तों, ये जो मोबाइल फ़ोन की बढ़ती प्राइसिंग है ना दोस्तों, तो ये इस मोबाइल फ़ोन के अंदर मिलने वाले फीचर्स के ऊपर डिपेंड होती है। फीचर्स के अंदर भी, जो इसके अंदर हार्डवेयर यूज़ किया गया है, जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया गया है, उसके ऊपर टिकी होती है। जितना बेहतर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन आपके मोबाइल फ़ोन में रहेगा, उतना ही आपका मोबाइल फ़ोन महंगा रहेगा और साथ ही साथ उतना ही अच्छा वो परफॉर्मेंस आपको देगा। तो कोई भी मोबाइल फ़ोन को ख़रीदने से पहले उसके अंदर दिए गए हुए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट के बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि वो अलग अलग कंपोनेंट्स क्या है। सबसे पहले आता है प्रोसेसर, उसके बाद में आता है सॉफ्टवेयर, उसके बाद में आता है दोस्तों की उसके अंदर यूज़ की गई वाली रैम और स्टोरेज टाइप, उसके बाद कैमरा, फिर आता है उसके अंदर की बैटरी कैपेसिटी और चार्जिंग स्पीड या चार्जिंग टेक्नोलॉजी कौन सी है, और उसके बाद थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग जो दोनों तीन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हुए कि उसकी डिस्प्ले क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी और साथ ही साथ उसका रिफ्रेश रेट। अब दोस्तों, ये जो मैंने डिस्प्ले क्वालिटी या फिर ऑडियो क्वालिटी और जो रिफ्रेश रेट है, तो उसको मैंने थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग क्यों कहा था, क्योंकि हर कंज्यूमर को या फिर मैक्सिमम कंज्यूमर को इन जो फीचर है दोस्तों, तो इनसे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए मैंने इनको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग कहा कि इन फीचर्स के अंदर हम थोड़ा सा 19-20 कर सकते हैं। अब दोस्तों, इन अलग अलग फीचर्स के बारे में, कंपोनेंट्स के बारे में या फिर सॉफ्टवेयर के बारे में हमें इतना डिटेल में जानने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि दोस्तों, ये जो मोबाइल फ़ोन ब्रांड होते हैं ना, तो ये हर बजट कैटेगरी के अंदर मोबाइल फ़ोन्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। यानी कि लो बजट कैटेगरी हो, मिड रेंज कैटेगरी हो या फिर हाई फ्लैगशिप लेवल की कैटेगरी हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ ब्रांड्स कुछ मॉडल्स को इस तरीके से बनाते हैं कि उनके अंदर एक या दो ही फीचर के ऊपर, क्वालिटी फीचर्स के ऊपर हाईलाइट किया गया होता है, और बाकी की जो फीचर मिलते हैं उसके अंदर तो वो बहुत ही आउटडेटेड होते हैं या फिर थोड़ा सा लो क्वालिटी होते हैं, लेकिन उनकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, आप ज़्यादा पैसे देकर ऐसा कोई मॉडल ख़रीदते हो और बाद में फिर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आने लगता है, क्योंकि उसके अंदर सभी फीचर तो अच्छे नहीं है ना। जो हार्डवेयर यूज़ किया गया, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस दिया गया, तो वो तो इतना अच्छा नहीं है, तो बाद में आपको थोड़ी दिक्कत आती है, फिर आपको गिल्ट होता है कि आपने एक गलत प्रोडक्ट को चुन लिया है। और उसी तरीके से लो बजट या फिर मीडियम रेंज के अंदर भी एक ही सेम प्राइस के अंदर आपको एक कंपनी के एक पर्टिकुलर मॉडल के अंदर अच्छे फीचर्स देखने को मिलते हैं, ओवरऑल सभी फीचर अच्छे देखने को मिलते हैं, वहीं पर दूसरे मॉडल के अंदर आपको थोड़े से कम स्पेक्स मिलते हैं। तो अगर आपको इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होगा, तो आप कम प्राइस के अंदर भी एक अच्छा प्रोडक्ट को चुन सकते हैं। तो दोस्तों, मोबाइल फ़ोन को ख़रीदते वक्त आपको और एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, वो है कि आपका टाइप ऑफ यूज़, यानी कि आप किस पर्पज़ के लिए मोबाइल फ़ोन को ख़रीदना चाहते हैं। यानी कि मान लीजिए कि अगर आप कोई फोटोग्राफर हो, कोई कंटेंट क्रिएटर हो, या फिर आप फोटोग्राफर हो, आपको फ़ोटो वीडियो खींचना अच्छा लगता है, तो आपको एक फ़ोटो सेंट्रिक मोबाइल फ़ोन ख़रीदना चाहिए। यानी कि जिस मोबाइल फ़ोन के अंदर कैमरे के ऊपर ज़्यादा फीचर दिए गए हो, अच्छी क्वालिटी दी गई हो, और बाकी की जो भी फीचर होंगी तो उसके थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज चलेगा आपको, लेकिन कैमरा बहुत अच्छा चाहिए दोस्तों, तो वो उस तरीके का मोबाइल फ़ोन आपके लिए एक बेस्ट डील साबित होती है। और वहीं पर अगर आप एक गेमर हो, मोबाइल गेमिंग ज़्यादा करते हो दोस्तों, तो आपको गेमिंग के लिए एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदना चाहिए, यानी कि जिसके अंदर
प्रोसेसर बहुत अच्छा दिया गया हो, पावरफुल और लेटेस्ट दिया गया हो, साथ ही साथ उसके अंदर बैटरी ज़्यादा कैपेसिटी की हो और जिसकी चार्जिंग स्पीड भी बहुत अच्छी हो, और साथ ही साथ उसके अंदर जो टेस्ट सैम्पलिंग रेट होता है ना तो वो भी ज़्यादा हो। और अगर दोस्तों आप एक मॉडरेट यूज़र हो, दोस्तों एक नॉर्मल यूज़र हो, तो आप एक बैलेंस मोबाइल फ़ोन खरीद सकते हैं, यानी कि जिसके अंदर कैमरा क्वालिटी, स्क्रीन क्वालिटी, उसके साथ ही आपकी बैटरी कैपेसिटी एक डिसेंट हो, और परफॉर्मेंस के लिए प्रोसेसर भी एक अच्छा सा डिसेंट हो, यानी कि एक मिड रेंज का हो या फिर एक हाई लेवल का हो। तो एक बैलेंस इस तरीके का मोबाइल फ़ोन आप ले सकते हैं और उसकी प्राइसिंग भी आपको बहुत अच्छी मिलेगी। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, अगले वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि ये जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट थे तो इनके बारे में हम एक स्टेप बाय स्टेप डिटेल जानकारी लेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो के ऊपर कमेंट्स कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, और उस बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाइए ताकि आने वाले अगले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।